भारत में चिकन गुनिया फैला हुआ है, इसका क्या अब चिकन खाने वालों ने चिकन खूब खाया है। कोई ने हद में खाया है, कोई ने बेहद में खाया है। क्या जैसे कविता करने वाले ने कह दिया, माँ की कहे कुम्हार से तू क्या रूंद है मोय, एक दिन आए तो आए वो मैं रूंद दूंगी तो। चिकन खाने वालों ने चिकन खाया, अभी चिकन क्या करेगी है? चिकन खाने वालों को खा रही है। और ब्रह्मा को फॉलो करो, शंकर को फॉलो क्यों नहीं करो? शंकर को फॉलो इसलिए नहीं करो कि शंकर जो है वो विनाश का देवता गाया हुआ है। उसका मुख्य काम क्या बताया है शंकर द्वारा? विनाश। एक होते हैं कंस्ट्रक्शन करने वाले और एक होते हैं डिस्ट्रक्शन करने वाले। क्या देवता धर्म की आत्माएं हैं कंस्ट्रक्शन करने वाली नई दुनिया की, और नास्तिक धर्म की आत्माएं हैं एटम बम बनाती है और पुरानी दुनिया का विनाश करा देती है। प्राप्ति किसको होती है? किसको प्राप्ति होती है? है जो स्थापना करने वाले हैं, नई दुनिया बनाने वाले हैं, बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं, उनको ज्यादा प्राप्ति होती है। और बिल्डिंग को तोड़ने वालों को, वो तो कोई भी मार्केट में खैरा गैरा नथू खैरा मजदूरों को उठा लाओ, वो भी क्या करेंगे? बिल्डिंग को तोड़ देंगे। तो तोड़ना बड़ी बात है या दिलों को जोड़ना बड़ी बात है? क्या करना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना को फॉलो करना है या शंकर को फॉलो करना है? विकारों को विनाश करने वाली बात है। जो भी हो, जो भी काम हो, विकारों को विनाश करने का हो या दुनिया को विनाश करने का हो, विकारों का विनाश, विकारों का विनाश ब्रह्मा ने नहीं किया क्या? ब्रह्मा ने किया क्या? नहीं। अब आप बात पलट रहे हैं। ब्रह्मा को फॉलो करने की बात आई कर्मों में। जो भी कर्म करना है वो ऐसे कर्म करना है जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए। ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है और शंकर को कर्मों में फॉलो नहीं करना है। बातें करेंगे तो कैसे काम चलेंगे? बाबा जैसे बताया गया क्राइम क्राइस्ट बुद्ध उनके फॉलोअर कामी क्रोधी अहंकारी लोभी मोही बनते हैं। तो फॉलोअर क्यों बनते हैं? वो नहीं बनते हैं। वो भी बनते हैं। तो जैसे ब्रह्मा को उनसे भी बड़ा गुरु बताया तो उनके फॉलोअर्स क्या बनते हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी तो ये हो गए। हाँ, तो उनके फॉलोअर जो है नारायण नहीं बनेंगे, कम कला के। कम कला के नारायण बनेंगे तो द्वापर युग से कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट होने वाले जो तुम्हारे घर के बंदे थे वो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले गए, वो तुमको ज्यादा दुख देते हैं या बाहर वाले ज्यादा दुख देते हैं? भरता बेदी लंका ढाबे। मुरली में कहा 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण ने, कृष्ण को भी कहा 16 कला संपूर्ण। वो इसी जन्म में बनते हैं और वो शरीर छोड़ के बनते हैं। ज्यादा प्राप्ति किसको है?
वो इसी जन्म में बनते हैं तो 500 करोड़ की दुनिया के ऊपर चमकते हैं, और वो जहां जन्म लेंगे वो तो लिमिटेड दुनिया होगी, तो ज्यादा चमकने वाले कौन हुए? और बाबा वो जल्दी गुप्त होने वाले हैं, तो बाबा गुप्त होने वाले हैं तो आपका भी वापस प्रत्यक्षता का समय क्या रहेगा? अभी 4 वर्ष भी नहीं हुए हैं, अव्यक्त वाणी में बोला, बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। ये तो हुजूम के बच्चों की बात रही, अभी मालाएं भी तैयार होनी है क्या? तो ऐसा भी टाइम आएगा कि आंख के सामने ही प्रत्यक्ष होंगे, मारा बनेगी बनने देंगे या नहीं बनने देंगे, बाकी की आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। वैसे भी अव्यक्त वाणी में बोला है, क्रोधी बच्चे अपना क्रोध करना नहीं छोड़ेंगे तो बाप दादा मिलना जुलना बंद कर देंगे। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जैसे में कहा जाता है, जैसे अमृत हो गया, जैसे मीरा में खीरा या नरसी का भाग जो घना, वो पता नहीं कहाँ से धन आ गया, ये सही बात है? अभी तो बताया कि भक्ति मार्ग में है सब अंधश्रद्धा, बेसमझी, और ज्ञान मार्ग में है सब श्रद्धा, विश्वास, समझदारी। तो भक्ति मार्ग की बातों को क्या उठाना, चाहे बाइबिल उठा लो, ढेर सारी कथा कहानियां क्राइस्ट के जीवन की मिराकिल दिखाई पड़ती है, अंधश्रद्धा की बातें भरी हुई है। चाहे कुरान उठा लो, चाहे भारत के शास्त्र उठा लो, आगा पीछे है नहीं, उनका सही अर्थ करके बतावेंगे तो भी हमको झूठ ठहरावेंगे। भक्ति मार्ग की बातों को उठाने का कोई मतलब ही नहीं। अमृत पी लिया तो फिर स्वर्ग में होनी चाहिए ना। मीरा अगर जहर को अमृत बना लिया तो स्वर्ग में होनी चाहिए, अमर होनी चाहिए या मर जाना चाहिए? अरे हाँ ना तो करो, फिर हुई ये सब है साक्षात्कार की, भक्ति मार्ग की दुनिया। असली बातें यहाँ की है। और बाबा हम बच्चे बाप को साकार में निराकार, साकार में निराकार को याद करना है। तो जैसे बाबा जो है राम वाली आत्मा जैसे याद करती है तो वो बिल को याद करती है, शिव बाबा को याद करती कौन से स्वरूप में याद करती है, विद्युत स्वरूप में याद करती है कि कौन से स्वरूप में याद करती है? आज बाबा ने कहा कि बच्चों को तो इंस्ट्रक्शन दिया कि साकार में निराकार को याद करना। जो व्यक्ति बताने वाला है हाँ, वो ज्यादा साकार में निराकार को समझेगा या जो सुनने वाले हैं समझने वाले हैं वो ज्यादा साकार में निराकार को समझेंगे? समझाने वाले जवाब तो मिल गए। अब 108 और 16,000 108 में सब सूर्यवंशी होंगे या इसमें चंद्रवंशी भी? बोला है जब नई दुनिया की संपूर्ण स्थापना हो जाएगी, संपूर्ण सत्युग की स्थापना होगी तो आबादी कितनी होगी? 9,16,108। वो जितने भी होंगे उन सबको सूर्यवंशी बनना पड़े,
तब राज परिवार के भांति बन सकेंगे 16,000। अगर राजा के प्रति सरेंडर बुद्धि नहीं हुए तो राज परिवार के भांति नहीं बन सकते, प्रजा बन जावेंगे, राज परिवार में आने लायक नहीं बनेंगे। बाबा जैसे बोलते हैं कि जो न्यू वर्ल्ड में जाना आना करती हो तुम बच्ची, तो कौन से बच्चे कर रहा है जाना आना? 2 साल से कौन से बच्चों से अब तुम्हारी बात हो रही है? जैसे हम बच्चे जो जो पूछो उसका भी तो जवाब दो। 2 साल से अव्यक्तवाणी में जो बाप दादा बात कर रहे हैं वो कौन से बच्चों से बात कर रहे हैं? अरे अभी जो कन्याएं जा रही है उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, जाना आना मतलब उनका ही हो रहा। हम जो पूछ रहे हैं वो बात का जवाब दो कि अव्यक्तवाणी में जो 2 साल से अव्यक्त बाप दादा बात कर रहे हैं वो स्पेशल किन बच्चों से बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। जो भी बात बाबा की बोली हुई है वो सब बातें अष्टदेवों के ऊपर लागू हो रही है। तो जिनसे बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो क्या यहाँ जितने सब बैठे हुए सबको दिए? यही तो पूछ रहे हैं। या जो माउंट आबू में बैठे हुए थे उन सबको दे दी? पहले तो नहीं बोला कि नई दुनिया की सौगात दी है, अभी बोला नई दुनिया की सौगात दी है। वहां जाना आना करते हो ना, माना उन्हीं से बात की है, उन्हीं से ये बोला तो जाना आना भी करते होंगे। बाबा जैसे नई दुनिया में जो आत्मा पहुंच गए हैं तो वो किस दुनिया में तो फिर अब नहीं आएंगी ना? नहीं, जैसे मन बुद्धि से तो भाग रही होंगी मगर इस दुनिया में उनका अंत में आना होगा या वो नई दुनिया में ही सेट हो जाएंगे? चिट्ठी चपाटी डाल के देखो। फोन फोन करके देखो। विजय माला भी आएगी तो वो भी नई दुनिया में जाने जाएंगे, जैसे अभी कन्या डाल रही है एडवांस। विजय माला नाम से ही क्या साबित होता है? किस बात पर विजय? विकारों पर विजय। तो जिन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने की स्टेज में पहुंच गए वो दुनिया से मिश्र होकर के रहेंगे क्या? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, तब तक इकट्ठे रह सकते हैं जब तक हंसों में भी कुछ बगुलापन भरा हुआ तो उनकी भी दिल नहीं होती छोड़ने की। क्षेत्र में विष्णु और शंकर के बड़े बड़े बाल क्या दिखलाए? जिनकी ज्ञान की जटाएं बड़ी होंगी तो बड़े बड़े दिखाए जाएंगे ना। और शंकर का चित्र बताया है, उसमें जूड़ा बताया है और बाल खुले में बताया। हाँ जी, तो आधे खुले और आधा जूड़ा बना हुआ है। हाँ, तो आधा ज्ञान बांधा हुआ है, आधा अभी जो है वो खुला हुआ है। सारा सब कुछ अभी समझा दे दे तो आगे चल के क्या समझा देंगे? और बाबा विष्णु का पाठ जब शुरू होगा तो बाबा पढ़ाई पढ़ाना बंद कर देंगे क्या? विष्णु का पाठ सबके लिए शुरू हो जाएगा या थोड़ों के लिए पहले शुरू होगा? शंकर का पाठ शुरू हुआ तो पहले थोड़ों के लिए शुरू हुआ या सबके लिए एक साथ शुरू हो गया? ऐसे ही होगा। जो आत्मा है उनकी दिनचर्या क्या होगा? जो दिनचर्या मुरली में बताई होगी वही होगी। मुरली में क्या दिनचर्या बताई?
मुरली में और अव्यक्त वाणियों में दिनचर्या क्या बताइए? बोला था और इनकी परीक्षा चल रही होते है, इनकी परीक्षा चल रही है। परीक्षा कोई फाइनल परीक्षा हो गई अभी? किस हिसाब से चल रही? फाइनल फाइनल परीक्षा अभी हो गई क्या? नहीं, तो फाइनल परीक्षा तो सबकी होगी, उसमें जो पास हो जावे उनकी बिता जाएगा। ये त्रिमूर्ति में है, ये अष्ट देवताओं में है, ये पहले ग्रुप में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है, ये 108 में है। बाबा है, आज सजाए नहीं खाते हैं, हैं? अष्ट देव ही अष्ट रत्न भी आ जाते हैं। जो रत्न होते हैं, हीरा मारिक पन्ना, ये नंबर वार होते हैं। नंबर वार इनका मूल्य होता है या एक जैसा मूल्य होता है? और जो अष्टदेव होंगे वो सिर्फ सूर्य वंश में से होंगे या दूसरे वंश में से भी होंगे? प्रश्न का जवाब मिला क्या? अष्टदेव इसलिए सजाएं नहीं खाते हैं कि वो ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट ज्ञान सूर्य वंशी बच्चे हैं। सूर्य को ही फॉलो करते हैं, कोई और धर्म पिता को फॉलो करने वाले नहीं है ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक। बाकी माया किसी को छोड़ती नहीं है, अंत में तो सबको नीचे गिरना है। जो अष्टदेव में पहला है उसको भी आखिरी जन्म में नीचे गिरना है। अंधेरे नहीं होगा तो उजेला कैसे होगा? माला जाप करते हैं, मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो करना चाहिए। बाबा ने बोला कि शराब का धंधा खतरनाक है, वो छोड़ देना चाहिए। क्या और कोई धंधे के लिए नहीं बोला कि छोड़ देना है? आप माला जपते हैं तो उंगली से माला जपते जाएं, मुख से होठों से अंदर अंदर बोलते जाएं, और बुद्धि से तो याद कर सकते हैं। बुद्धि से याद कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो जो भी आप ठटा कर्म करते हैं, कराते हैं, बुद्धि से उसको याद करते रहेंगे। अक्टूबर में क्यों पढ़ी? क्या ये जो दीपावली है इस बार नवंबर में पढ़ी थी, इस बार अक्टूबर में पढ़ रही है, तो क्या आगे पीछे त्योहार होते ही रहते हैं, क्या बड़ी बात है? अगर दीपावली अक्टूबर में पड़ गई तो नवरात्रे कहाँ से शुरू हुए है? नवरात्रों की शुरुआत कहाँ से हुई? नवरात्रे पीछे हट जाते हैं। ये बोला है कि बाबा क्रोधियों से मुंह में लेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो क्रोध आ ही जाता है, तो ऐसे बच्चों से भी देवी देवता सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्रोध आ जाता है? क्रोध से देवी देवता सनातन धर्म की रक्षा होगी? नहीं, दूसरे धर्मगुरु बन के आते हैं और सामना करने के लिए आते हैं तो उनके सामने चाहिए, उनके सामने क्रोध करना जरूरी है? जो सच्चा कर्म करना है वो करना है, क्रोध क्यों करना? क्रोध में आने से आदमी उल्टा कर्म करता है या सुल्टा कर्म करता है? उल्टा काम हो जाता है। क्रोध में किया हुआ काम कभी सीधा नहीं होगा। बाबा एक दूसरे ने ये बोला ना कि विदेशियों को उसकी शक्ति स्वरूप धारण करना, शक्ति स्वरूप का मतलब क्रोध ही थोड़ा ही है। शक्ति स्वरूप का मतलब वो जितना ही विरोध करें, अधर्म करें,
उतना ही हम शक्ति पूर्वक धर्म के ऊपर डटे रहे। और बाबा इन्हें सफर और इन्हें ग्राउंड, इन्हें सफर को कन्या समाज की रस किया, इनके ग्राउंड को माता है अपर माने ऊपर, अग्रंग माने नीचे। जैसे कोई बहुमंजिली इमारत होती है तो ग्राउंड फ्लोर को क्या कहेंगे, ग्राउंड फ्लोर, और ऊपर की मंजिल को क्या कहेंगे, अपर स्टोरी। तो ऐसे ही तो है ऊपर कोई माता नहीं। अरे अभी अभी तो माता ने पूछा कि जो नई दुनिया है उसमें बाहर वाले भी जाएंगे या अष्टदेवी ही जाना आना करेंगे। अष्टदेव आना जाना करेंगे, तो अष्टदेव जो आना जाना करेंगे उनमें से कोई ऐसा भी तो होगा जो परमानेंट हो तो नई दुनिया में रहने वाला हो मोस्टली। अरे अष्टदेवों का धाम है, उनमें कुछ आने जाने करने वाले हैं, तो कोई ऐसे भी तो होंगे जो परमानेंट होगा। अष्टदेव भी उनमें भी कैटेगरीज है या एक जैसे हैं, उनमें भी कैटेगरीज है। अष्टदेव में थोड़ा स्लाइट अंतर बताया। हाँ, फिनिशिंग का अंतर तो है, तो जो फिनिशिंग का अंतर है वो कैसे हुआ, आखिरी जन्म में आकर के अलग अलग धर्मों में गिरना हो गया। बाबा उनका 100% संस्कार हुआ कड़ा है सर है, उनका 100% एक संस्कार कोई कड़ा हुआ बाबा ने बोला। 100% कड़ा संस्कार तो जो देवताएं हैं उनका, उनकी मुख्य परीक्षा क्या होती है, मुख्य परीक्षा है देवताओं की हो चाहे दूसरों की हो, फाइनल परीक्षा कौन सी है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो इस बात में वो जितने परसेंटेज में आगे होंगे उतना दूसरा कोई परसेंटेज में आगे नहीं हो सकता। बाबा एक डिस्कशन में अष्टदेवों को एक चार चार जोड़े बता दिए, भाई बहन और भाई भाई के स्टेज अंत में मैसूर के डिस्कशन। हाँ, तो क्या बड़ी बात हो गई, जो नई दुनिया बनेगी जिसमें कैसे पहला बच्चा होगा उसका नई दुनिया का फाउंडेशन कहाँ पड़ेगा। अरे नई दुनिया तो बनेगी 5000 वर्ष की दुनिया में ड्रामा में, फिर उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, तो संगम युग में जब फाउंडेशन पड़ेगा तो फाउंडेशन के पीरियड में रुद्रमाला और विजयमाला दोनों के बढ़ के चाहिए या एक का चाहिए, दोनों के चाहिए तो प्रवृत्ति मार्ग बनेगा देवता का, देवता धर्म की दुनिया का। अगर दोनों नहीं होंगे तो देवता धर्म का प्रवृत्ति मार्ग नहीं बनेगा। लेकिन अभी यहाँ रुद्रमाला की बात है या विजयमाला की भी बात है, अभी रुद्रमाला की बात, पहले रुद्रमाला तैयार होती है तो रुद्रमाला में चाहे चंद्रवंशी राधा के कुल के हो विजयमाला वाले और चाहे इस्लाम वंशी हो दुनिया के, चाहे बौद्धी हो चाहे क्रिश्चियन वंशी हो, सबके बीज है या नहीं है, सबके बीज है। ऐसे ही रुद्रमाला में जो सूर्यवंशी है उन सूर्यवंशियों में भी आठ ऐसे हैं जो हर धर्म के नंबरवार पूर्वज हैं, उनमें कोई ठेठ सूर्यवंशियों का भी पूर्वज है, कोई चंद्रवंशियों का भी पूर्वज है, उससे पूर्व जन्म लेने वाला कोई है ही नहीं, कोई इस्लाम वंशियों का भी पूर्वज है। चंद्रवंशियों के पूर्वज में कुछ मैसूर के डिस्कशन में भुवनेश्वर परमेश्वर के साथ परमेश्वरी का थोड़ा सा जिक्र आया है,
चंद्रवंशी सूर्यवंशी का जो फिर सूर्यवंशी है उसके साथ जो चंद्रवंशी मणिका है भुवनेश्वरी जिसके लिए टाइटल दिया है या एक शब्द और जिसके लिए बोला बोया ना रहे क्या नाम से गंगा के साथ एक और जो शब्द बोला है ना योगिनी हाँ योगिनी बहन योगिनी जो शब्द बोला है तो उसमें बाबा छोटी मम्मी के लिए नहीं बोल के ये बोला है कि जो फर्स्ट पेयर को जो आगे लाता है इंट्रोड्यूस करता है बोलो उसके लिए थोड़ा सा क्लियर कीजिए जैसे छोटी मम्मी को तो हाँ छोड़ दिया बड़ी मम्मी को एक जगह बता दिया तो वो तो कहने लगे डब्बा है मात्र उनको तो केवल ब्रह्मा बुद्धि में समझ में आ जाता है गीता का भगवान मेरा का शिव है तब वो काम करता है मतलब बड़ी मम्मी के लिए वहाँ छोटी मम्मी तो एक तरह करके भुवनेश्वरी के लिए बोल दिया योगिनी बहन के लिए बोला जैसे ये गंगा के लिए बोलते छोड़ दिया कानपुर के लिए ऐसे उस डिस्कशन में उनके लिए बोल के छोड़ दिया वहां भी क्लियर नहीं किया बाबा उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि ठेठ सूर्यवंशी और ठेठ चंद्रवंशी को आगे इंट्रोड्यूस करने वाला जो मणिका है शब्द जब बोलेंगे जी तो वो रुद्रमाला में होगा या कोई दूसरे वंश में होगा ठेठ शब्द जब बोलेंगे तो रुद्रमाला में ही होगा बाहर नहीं होगा ठेठ सूर्यवंशी ठेठ चंद्रवंशी माने सबका पूर्वज रुद्रमाला में हाँ जी रुद्रमाला में जो भी पूर्वज है आठों ही पूर्वज है उनसे पूर्व जन्म लेने वाला कोई है ही नहीं जो पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो पहले आठ का होता है या कोई और का होता है आठ का होता है तो वो आठ जो है वो नंबर वार हर धर्म के पूर्वज हैं उनमें ठेठ जो सूर्यवंशी है उनका भी कोई पूर्वज है चंद्रवंशियों का भी कोई पूर्वज है इस्लाम वंशियों का भी कोई पूर्वज है बौद्धि वंशियों का भी कोई पूर्वज है माने हर धर्म का एक एक पूर्वज बैठा हुआ है हाँ बोलो बोलो अरे उनकी बात पूरी नहीं हो रही सब पका रहे हैं अंदर आप बोलो उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना क्या जैसे छोटी मम्मी को छोटी मम्मी को योगेश्वरी का टाइटल नहीं दिया गया जी योगिनी बहन का टाइटल नहीं दिया गया और योगीश्वर का टाइटल किसको दिया गया सूर्यवंशी का जो पूर्वज है उसको योगीश्वर का टाइटल दिया गया योगी राज कहो योगीश्वर कहो योगीश्वर शरद कुमार कहो वो तो एक ही बात होगी तो उसके साथ जो भी नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने वाला होगा वो प्रवृत्ति मार्ग को बनाने वाला होगा या निवृत्ति मार्ग वालों में से होगा तो जो प्रवृत्ति मार्ग को बनाने वाला होगा वो सदा काल का योगी होगा या कभी कभी वियोगी भी होगा सदा काल का योगी होगा इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर जी को सिर्फ एक ही नगरी प्यारी है क्या इतने शहर हैं दुनिया में कितने शहर हैं दिल्ली भारत की राजधानी इतना नाम नर्क की दुनिया में भी राजधानी और स्वर्ग की दुनिया में भी राजधानी वो प्यारी नहीं है कौन सी नगरी प्यारी है काशी नगरी काशी शब्द कैसे बनता है
काश के माने तेज, कौन सा तेज? याद का तेज। तो जो याद का तेज है वो सूर्यवंशी मणकों में ज्यादा होगा या और वंश के मणकों में ज्यादा होगा? सूर्यवंशी मणकों में ज्यादा होगा, हुआ ज्यादा। अगर सूर्यवंशी मणकों में ज्यादा होगा तो सूर्यवंशियों के अंदर से ही। अच्छा, दूसरी बात यह है, याद जो संबंधों के आधार पर याद आती है उनमें ऐसा संबंध कौन सा है जो ज्यादा याद दिलाता है? साधन सजनी का संबंध है, जो सचिव में भी होता है लेकिन इस रूप में नहीं होता है जैसे आज माना जाता है। संपूर्ण सात्विक होता है। हाँ, संपूर्ण सात्विक स्टेज वाला होता है। तो उसका फाउंडेशन डालने वाला कोई तो मणका होगा, आत्मदेवों में से। वो बौद्ध धर्म से होगा, इस्लाम धर्म से होगा, क्रिश्चियन धर्म से होगा, किस धर्म से होना चाहिए? सूर्यवंशी से। कैसे? सूर्यवंशी से तो पुरुष स्वभाव के हो गए। अगर सूर्यवंशी से ही होगा तो युगल कहाँ बने? सचिव की जो शुरुआत होगी उसमें राधा कृष्ण तो युगल बच्चे होंगे ना। राधा कृष्ण तो एक दूसरे को देखते हैं और लक्ष्मी नारायण देखते नहीं। वो ठीक है, वो नीची स्टेज हो गई, उतरती कला की स्टेज हो गई। यहाँ उतरती कला के बारे में बात है या चढ़ती कला के बारे में बात है? कला की बात है ना, जो उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो तो कलातीत है। हाँ, कलातीत है, नहीं वो इनका तो इनके संस्कार को कला में बांधा है, जबकि उनके संस्कार को कलाओं से परे बताया है। हाँ जी, हाँ। और जब जो उनको भी इंट्रोड्यूस करके आगे लाएंगे, जैसे चंद्रवंशी जिस मणके की बात चल रही थी, तो उसकी प्रत्यक्षता अध्यक्षवाणी में इस वक्त भी बोला है अष्टदेव से कि तुम बच्चे हो इन दीदी दादी दादाओं के भी श्रृंगार करने वाले। क्या श्रृंगार करने वाले हो? माने इनका श्रृंगार अपने आप नहीं होता है, इनको भी ज्ञान रत्नों से अष्टदेव निमित्त बनते हैं। तो विजयमाला तो बाद में ही आती है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये क्यों नहीं कहा के निर्विकारी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है? विजय माला का पहला मणका अगर विशेष प्रिय कहा जाए तो विजय माला भी रुद्रमाला में आनी चाहिए। रुद्रमाला है शिव की माला और विजय माला है विष्णु की माला। ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी हुई? ज्यादा प्राप्ति करने वाली कौन सी है? रुद्रमाला है ज्यादा प्राप्ति करने वाली, क्योंकि शिव बाप की माला है। इसलिए रुद्रमाला में जो पहले पहले दो मणके हैं, जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं, योगी राज योगेश्वर या योगेश्वरी या योगिनी कहे जाते हैं, वो फाउंडेशन डालने के कारण तीखे हैं, श्रेष्ठ है। बाकी ऐसे नहीं है कि जो योगी योगिनी का टाइटल लेने वाली है वो अंत में नारायणी बन जाएगी अव्वल नंबर की, वो तो फाउंडेशन डालने वाले। माता फाउंडेशन डालने वाली कही जाएगी, फाउंडर कही जाएगी या पिता कहा जाएगा?
है धरणी जो है धरणी माता है धरणी जी धारण करती है बीज को, नहीं तो बीज पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जो योगिनी है काशी नगरी है वो काशी नगर को नगरी को ही इतना बैलेंस दिखाया गया है, बैलेंस में रहने वाला कि शंकर के त्रिशूल की नोक पर काशी नगरी बसी हुई है। तो ब्राह्मण जीवन में कितना बैलेंस से रहती होगी, और कोई आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है जो इतने बैलेंस से एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में रह सके। और ये तभी संभव है जो याद फर्स्ट क्लास बताई हुई है, साकार में निराकार की याद उसमें रहने वाला हूं। इसलिए विजय माला की हेड को वो योगिनी का टाइटल नहीं दिया जा सकता अभी, क्योंकि उसको तो अभी एडवांस नॉलेज ही नहीं है। फाउंडेशन डालने की बात है, फाउंडेशन जो है वो जमीन को खोद करके जमीन के अंदर डाला जाता है, बाहर नहीं दिखाई पड़ता। जो भी पत्थर डाले जाते हैं वो अंदर डाले जाते हैं, तो नई दुनिया का फाउंडेशन अंदर अंदर पड़ रहा है। वैष्णो देवी जब आएगी तो बाहर भी दिखाई पड़ेगा। और बाबा जैसे बोलते हैं मामा बाबा एक साथ बैठ करके मुरली चलाएंगे, बोलते कौन है दूसरों के बोलने पर, और भक्ति मार्ग की बातों के प्रश्न क्यों मारे बुद्धि में, जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो। नहीं है? हर दूसरों की बातें सब सही होती है कि झूठी होती है? जो दूसरे लोग बोलते हैं वो सब झूठे होते हैं या सच्चे होते हैं? सुनी सुनाई बातें झूठी होती है सच्ची होती है? अच्छा बताओ सच्ची कौन सी होती है? ऐसी सच्ची बात कोई शिव बाबा के अलावा बताता ही नहीं जो 100% सच्ची हो। इसलिए एक ही निमित्त बनता है सत्य संदेश स्थापन करने के लिए, और एक ही कथा होती है सत्य नारायण कथा, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती है तो और किसको उठाएंगे। सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारतवासियों ने, सुनते ही रहो बैठ गया हरियाणा की वाणी में बाबा ने कहा राज करेगा खालसा। हाँ जी, हाँ जी। और दीदी दादियों का क्या मान मर्तबा है, जो बाप का मान मर्तबा रहेगा तो वो साल करीब 2015-2014 कब का रहता है? हरियाणा के मान मर्तबा बाप का जो है पूरी दुनिया दीदी दादियों से भी ज्यादा मान मर्तबा रहेगा। ठीक है, जगदम्बा का भी रहेगा और बाप का भी रहेगा, तो उसका साल तुम था होगा। बाप का मान मर्तबा नहीं होता है दुनिया में, न बाप मान मर्तबा लेने के लिए आया हुआ है। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा का मतलब ऐसी खालिस बुद्धि वाली, ऐसी पवित्र बुद्धि वाली जिसका गायन है कीचड़ में रहती है फिर भी बुद्धि कहाँ रहती है? बाप की तरफ रहती है। तो ये स्थूल मान सम्मान और मर्तबे की बात नहीं हो रही, कीचड़ में रहना और बुद्धि बाप में लगे रहना, ये मान मर्तबे की बात है। हाँ अष्टदेव है पेयर और शिव बाबा है एक, अष्टदेव है पेयर जोड़े माना भाई बहन के रूप में जोड़े। शिव बाबा भी तो, शिव बाबा ने तो बोल दिया मुरली में
शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे, शंकर पार्वती युगल नहीं है क्या? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है या युगल है? क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी है, युगल तो लक्ष्मी नारायण है। बाबा ये शरीरों की जो कंटेंट आया है वो 2018 से आरंभ होगी या अभी तो बच्चों में मतलब बहुत सारी बीमारियां और ये शरीर में लड्डू पड़ी है, बहुत सारे बीमार रहे हैं, तो उसको कंटेंट आया बनने में तो बहुत समय लगेगा ना? बहुत समय में 1000-2000 साल लगेंगे क्या? 10-12 साल तो लगेंगे। 10-12 साल लगेंगे, चलो कम से कम अच्छी बात तो बोली है, 10-12 साल लगेंगे तो सही बात तो बोल रहे, फिर चलते क्यों आ रहा है? देवताओं की जो स्टेज है वो 2036 के बाद ही कहलाएगी संगम से, ये क्षेत्र से रहेगी स्टेज वाली बात 2036 से शुरू होगी, ये स्टेज बनाना करना ये 2036 से पहले होगा या बात की बात है? तो पहले की बात है। राधा और कृष्ण का जन्म एक साथ होगा, माने एक ही सेकंड में राधा टपकेगी और दूसरे सेकंड में कृष्ण टपकेगा है? राधा कृष्ण में छोटे बड़े नहीं होते, तो फिर एक साथ होने का सवाल ही नहीं। बच्चा हमेशा बड़ा होता है और बच्ची छोटी होती है। भक्ति मार्ग की जो बात है वो संगम युग की है। वर्ल्ड मदर और मिस इंडिया ये दोनों में मतलब कौन कौन? वर्ल्ड मदर माना है जगदम्बा, जगत की अम्बा माना, वर्ल्ड मदर जगत माना, वर्ल्ड जगत माना, वर्ल्ड जगदम्बा माना सारी दुनिया की अम्बा, मिस इंडिया माना सिर्फ इंडिया वालों की, जो पक्के पक्के भारतवासी हैं उनकी माँ, पक्के पक्के भारतवासी माना पक्के पक्के देवताएं, देवताओं की माँ है। अरे विष्णु वो देवताओं को तरजीह देता है या आसुरों को भी तरजीह देता है? केवल देवताओं को तरजीह देता है। और शंकर जी और सबको तरजीह देते हैं। वैष्णव देवी माना देवताओं की पाला वाली, एक है वर्ल्ड मदर और एक है भारतवासियों की माता, भारत माता, इसलिए अभिवाण ने बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारायण। तो अभी अंत है, दिखाई पड़ रहा है? अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, जब होगा तो रानी मक्खी निकलेगी और उसके पीछे पीछे उसकी प्योरिटी की पावर से सारी यूनिटी इकट्ठी हो जाएगी, भारत माता प्रत्यक्ष हो जाएगी। भारत ज्यादा पवित्र खंड है या दूसरे धर्म खंड ज्यादा पवित्र है? भारत ज्यादा पवित्र खंड है, इसलिए भारत माता के लिए गाया जाता है वंदे मातरम। बाप आया हुआ है और सबको पति को पावन बनाकर साथ लिया जाएगा, और मुझे बताया है कि द्वापर से जो भी आत्मा ब्रह्म धाम से उतरती है, जो पावन उतरती है, और उस समय की जो सबसे आत्मा होती है उसमें प्रवेश करती है, गर्भ से जन्म नहीं लेती। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर जो 4.5 लाख आत्माएं उतरती हैं सतयुग से, हाँ जी, तो वो तो उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं, उनमें उतरती है। हाँ, फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चे और उनके समान बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो आत्माएं राधा कृष्ण और राधा कृष्ण के समान बच्चे डायरेक्ट गर्भ से जन्म क्यों लेते हैं? डायरेक्ट गर्भ से जन्म क्यों लेते हैं?
मतलब परम धाम से जो आत्मा उतरती है तो सत्य प्रधान उतरती है, पहले तो जन्म नहीं लेना चाहिए, पहले तो प्रवेश करती है फिर गर्भ में जन्म लेती है। गर्भ में जन्म लेना और प्रवेश करना दो अलग अलग बातें। द्वापर युग से जो ऊपर की आत्माएं उतरती है वो प्रवेश करती है, और सचिव त्रेता में जो आत्माएं आती है वो बुद्धि में प्रवेश नहीं करती, वो गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि वहां होता है गर्भ महल, निरोगी काया होती है। क्या बुद्धि भी शुद्ध है और गर्भ महल भी शुद्ध है, कचड़े की बात नहीं। अभी तो इस शरीर में कचड़ा ही कचड़ा भरा हुआ है, जो नौ द्वारों से कचड़ा ही निकलता रहता है। और बाबा पहले जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी ये मुरली में आता था, मैं तो बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है, तो दो दो के लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी है? केवल दो बच्चों के लिए जगत पिता और जगदम्बा को पढ़ाई पढ़ाई जा रही थी नहीं, और अब केवल अष्टदेव के लिए ज्यादातर वाणियाँ चल रही है। वाणियाँ चल रही है, वो वाणियाँ अध्यक्ष वाणियाँ है, फिर की वाणियाँ है बाबा जी कहा है कि गीता अच्छी मुरली में कहा, हाथ उठा दो हाँ। अभी कहा गीता ज्ञानमृत नहीं पहनिए, तो इसकी शूटिंग कब होगी, ज्ञानमृत कब मतलब इसका वो होगा? अभी होगा ज्ञानमृत नहीं पहनेंगे, गीता ज्ञानमृत नहीं कहेंगे, ये वाणी बोली कब गई थी? अभी बाबा ने बोली, अभी बाबा ने बोली, अरे इससे पहले नहीं बोली गई, ब्रह्मा बाबा ने पहले बोली ना, तो जिस समय ब्रह्मा बाबा ने बोली उस समय की बात है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या उस समय कोई मंथन चिंतन मनन मंथन नहीं होता था? ज्ञान अमृत वाली बात तो छोटी मम्मी के लिए लागू होती है, वैष्णव देवी निकलेगी तो ज्ञान अमृत बांटेगी, बांटेगी और मंथन करेगी, बात एक ही है कि अलग अलग है? अरे लक्ष्मी नारायण से लेती है या खुद का पका पका है मान लेती है, वो खुद मंथन करेगी क्या? कहाँ कहाँ बुद्धि चिपक रही है? तो ज्ञानमृत की मतलब युद्ध के वक्त करनी चाहिए, मतलब अभी लेटेस्ट में ही जैसे कि दादा लेकर आते मुंबई चला उस समय कहा गीता ज्ञानमृत नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे हाँ, तो अब कहेंगे मतलब जब मन चिंतन मंथन हो, नई नई बातें निकले, नया नया अमृत निकले, तब कहेंगे कि नया मक्खन निकला, ज्यादा दमदार बातें निकली। जब तक मंथन नहीं होता है तब तक मक्खन थोड़ी निकलता है, सागर मंथन हुआ तब रतन निकले। बाबा बीते दिन 240 में बाबा ने बोला है, बीते दिन 240 में बाबा ने बोला है ये शिव बाबा है और ये बिरला पिता है, हाँ तो ये दोनों का ये क्योंकि आदि में प्रजापिता होता है कि सदाकाल प्रजापिता होता है, आदि में प्रैक्टिकल प्रजापिता था और अंत में भी प्रैक्टिकल में प्रजापिता होता है, आदि में बीजारोपण करने के लिए निमित्त और अंत में बच्चों को वर्षा देने के लिए निमित्त है, अंत में तो बाबा होता है लेकिन शिव बाबा जैसे कहा है ये शिव बाबा है ये प्रजापिता है। शिव बाबा जब कहा जाता है तो शिव ज्योति बिंदु और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो दोनों को मिला के कहा जाता है शिव बाबा। नहीं बरसा वाली बात होती है तो बरसा प्रजापिता से मिल रहा है, हाँ तो एक शिव बाबा और प्लस बिरजा और पिताजी दोनों पर्सनलिटी हो जानी चाहिए, शिव बाबा की और प्रजापिता प्रजापिता की पर्सनालिटी एक नहीं है,
नहीं तो फिर अलग अलग कहा ना, ये सिर्फ बाबा है या फिर जाता है, मतलब अलग अलग इंटरव्यूज अलग अलग पहचान से वो की जाता है। अब कौन सी मुरली है क्या है वो फिर मुरली भी दिखाओगे लाओगे सामने है क्या ऐसे ही अंधेरे में लाठी मार दे दीदी 240 अरे किस प्रसंग में बोला किस आधार पर बोला कौन सी बात के ऊपर बोला वो भी तो देखना पड़ता है। शिव बाबा कहेंगे तो बाबा किसको कहा जाता है साकार होगा तभी तो बाबा कहा जाएगा बाबा माने ग्रैंडफादर। तो यज्ञ के आज के लिए बोला है वो शुरुआत में जो व्यक्तित्व था वो ग्रैंडफादर का पार्ट था। और बाबा सिद्धार्थ की आत्मा है सिद्धार्थ स्वयं जो है वैराग्य होता है हाँ? तो 12 वर्ष तपस्या करते हैं वो तब जाके उनको ज्ञान मिलता है अपने पुरुषार्थ से। हाँ? तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुर्गी की आत्मा इसमें कौन से हो सिद्धार्थ को स्वयं वैराग्य आता है ब्रह्मा बाबा में जब भक्ति पूरी हुई तब शिव ने प्रवेश किया या पहले ही प्रवेश कर लिया पूरी पकती है तब उठ करके ऊपर आती है या डालते ही ऊपर आ जाती है ऐसे ही है उनकी तपस्या जब पूरी हुई तो ऊपर से आत्मा ने प्रवेश कर लिया एक ग्राउंड तैयार हो जाता है। नहीं पर बाबा जैसे बच्चे अभी ज्ञान सुन रहे हैं हाँ तो उनका अपना स्वयं का भी तो कोई मतलब प्रसाद रहता है अभी बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं 5 से 12 साल उनका अपना स्वयं का भी कोई प्रसाद बनता है प्रसाद नहीं किया गया जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं एडवांस में उन्होंने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ नहीं किया क्या नहीं किया है उसका फल ये मिला कि बाबा स्वयं ज्ञान दे रहे हैं बाबा जब स्वयं ज्ञान दे रहे हैं तो उस ज्ञान का इसका तो फल निकलेगा कि वो स्वयं भी कुछ न कुछ तो उनका फल तो उतना ही निकलेगा जितना उनको बुद्धि की 1000 नियामत मिली है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के आधार पर 63 जन्मों में जितने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर इस लास्ट जन्म में बुद्धि की 1000 नियामत मिलती है केक जैसे मिलती है अलग अलग मिलती है तो ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं बाबा बोला सबको याद नहीं करना किसको करना और कोई समय ऐसा होता है कि साकार की छाप लगी साकार ही याद आता है निराकार नहीं आता तो उसको याद नहीं करेंगे तो जब साकार याद आता है तो उस समय ये रहता है बुद्धि में कि इसमें आत्मा नहीं है नहीं जैसे साकार ही याद आता है बिल्कुल साकार तो मोटा रूप में याद आता है क्या तो चैतन्य में है माने उसको याद ही कहेंगे माने उसमें चित्त शक्ति है ना भक्ति मार्ग में मिट्टी को भी पांव की मिट्टी को लेकर के माथे से लगाते हैं उसमें भी कल्याण भरा हुआ है तो मिट्टी कौन सी है चैतन्य शरीर जो है वो भी मिट्टी है वो भी विनाशी है या अविनाशी है क्या अविनाशी है दुनिया के मुकाबले तो उस अविनाशी को भी अगर याद करेंगे मिट्टी को भी तो अकल्याण होगा या कल्याण होगा उतना कल्याण नहीं होगा जितना साकार में निराकार को याद करने वालों का कल्याण होगा। लास्ट जन्म में सबको गिरना ही होता है लास्ट जन्म में सभी को गिरना होता है तो ब्राह्मण परिवार में जुड़ने के बाद गिरते हैं या पहले ही गिर जाते वास्तव में भगवान के आने के बाद उठना होना चाहिए
या गिरना होना चाहिए है? उठना होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या देखा जा रहा है? क्यों गिर रहे हैं? रेशक जन्मों का जो हिसाब किताब है अपना ही बनाया हुआ है, भुगतना वो अपने कोई भुगतना है। लेकिन बाबा जी पूरा सब होगा, पूरा सब होगा माने पूरा होगा ही नहीं, माता ही पूछ रही पूरा कब होगा। वो तो ऐसी बात है, बिना कब होगा, होगा कि नहीं होगा, सच कुछ कब आवेगा, आवेगा कि नहीं आवेगा। अभी तो तंग करता है ना, आपने तंग किया होगा उतना ही तंग करेगा ना। ये गिरने की बात है तो ये संगम युग की होगी या फिर पिछले जन्म में है? लास्ट जन्म में गिरने वाली बात है। संगम युग है कल्याणकारी युग या गिराने वाला युग? अगर संगम युग याद रहे तो बाप भी याद रहे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, ये युग की स्मृति मात्र से ही ऊंचा उठना हो जाता है। वो याद नहीं रहता, कलयुग याद आ जाता है, कलयुग की दुनिया के जीवड़े याद आ जाते हैं, उनसे बुद्धि का संबंध जुड़ जाता है, तब गिरना होता है। संगम युग है कल्याणकारी युग, शिव बाबा है कल्याणकारी, ब्रह्मा है कल्याणकारी, हमारी आत्मा का पार्ट है कल्याणकारी। बाबा जी पानी में बोला है ऐसा आकार पड़ेगा जो गाँव की गड्डी रोज पड़ी जाएगी, हाँ ज्ञान में नहीं मिलेगा, इसका बेहद में क्या है? बेहद में क्या इसका बेहद में क्या बोलना पड़ेगा? बेहद में क्या माना? हद का हुआ नहीं, ज्ञान जल नहीं मिलेगा, क्या होगा? ज्ञान जल नहीं मिलेगा, ज्ञान जल नहीं मिलेगा। वो भी ऐसे लोग होंगे इस्लामी वगैरह जो ज्ञान जल की भीख मांगते रहेंगे, उनको नहीं मिलेगा, खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, हाँ खाने के लिए याद का भोजन नहीं मिलेगा, याद का अन्न नहीं मिलेगा, याद की खुराक नहीं मिलेगी। वो भी ऐसे ही होंगे कोई इस्लामी क्रिश्चियन आदि। अरे तो नंबर वाली है, सब एक जैसे तो नहीं है। कोई इस्लाम धर्म में ज्यादा कनेक्टेड रहे, कोई क्रिश्चियन धर्म में ज्यादा कनेक्टेड रहे, कोई मुस्लिम धर्म में ज्यादा कनेक्टेड रहे। बाबा हाँ, एक मैसेज से बोला है दिल्ली की महारानी को लेटर लिखो, तुम क्यों दुखी होती हो, तुम तो दिल्ली की महारानी हो। हाँ? एक मैसेज में बोला है हाँ? विश्व की महारानी को लेटर लिखो, हाँ? तुम क्यों दुखी होती हो, ठीक है, विश्व की महारानी हो, हाँ? तो बाबा एड्रेस क्या होगा? एड्रेस क्या होगा? विश्व की महारानी नहीं कहा आपने, आधा बोला आधा भूल गए। उसने बोला बड़ौदा की महारानी, क्या जो बड़ेपन को देने वाली है, बड़े से बड़ा कौन सा पार्ट है? अरे महान से महान पार्ट दुनिया में कौन सा है? लक्ष्मी बड़े से बड़ा पार्ट है, जगदम्बा बड़े से बड़ा पार्ट है, नारायण बड़े से बड़ा पार्ट है, विश्व का मालिकपना बड़े से बड़ा पार्ट है। तो नारायण को नारायण बनाने वाली कौन? वो आकर के ज्ञान रतन न बांटे तो नारायण बन पाएगा, संसार के सामने प्रत्यक्ष हो पाएगा? इसलिए बोला बड़ौदा की महारानी को समझाओ। बाबा फिर आप तो रहेगी क्या, एड्रेस क्या लेके, एड्रेस क्या लेके सिक्का? तो इसका मतलब है एडवांस ज्ञान ही नहीं लिया है, सब कुछ बेहद है। हाँ ये भी बेहद की बात है ना, कि नारायण को पहचाना है तो नारायणी को नहीं पहचाना, जबकि लक्ष्मी नारायण का जन्म ही एक साथ होता है।
76 में नारायण का भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म, तो नारायण का भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म, तो अभी जान ही नहीं पाया कि महारानी कौन है। बाबा जैसे मकान बन रहा है अभी वहाँ पे हम चल में, तो छोटी मम्मी आकर उसमें भक्ति करेंगी क्या? हनुमान से होता है नुकसान। कोई भी बात में अनुमान नहीं लगाना चाहिए, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर हर बात बोलना अच्छा होता है। प्रजा पिता को जन्म देने के निमित्त बनी किस बात में? ब्राह्मण बने में। प्रजा पिता बने ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता होता है क्या? प्रजापिता तब कहा जाए जब ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण कब बने? जब ब्रह्मा के मुख से सुने, तो ब्रह्मा के मुख से सुना, जब सुना तो वो पहला ब्राह्मण बन गया। अब जो पहला ब्राह्मण बनता है वही पहला क्या बनता है? देवता बनता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला शूद्र, सो पहला वैश्य। अंत का समझ नहीं आ रहा कि अंत में भी निमित्त बनेंगे, तो अभी अंत में और ऐसा क्या होना है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? भाई लोग खोलेंगे कि माताएं खोलेंगी? हाँ, जब माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी तभी तो नारायण जी अंदर घुसेंगे। बाबा बारिश होता है, ढाई हजार वर्ष सूर्य जी नहीं ग्रहण होगा है, ढाई हजार वर्ष का गुजर रहा है, सूर्य नहीं होगा क्या भैया? हाँ जी, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने का दिन होता है, तो जब 6 महीने का दिन हो सकता है तो 2500 साल का दिन नहीं हो सकता है? हो सकता है, है? बाबा हाँ बोला है, बाबा ने चले ये एडवांस पार्टी तो फिर ये गीता माता निमित्त कैसे बनती है? निमित्त कैसे बनती है? तो वो भी तो माता जब है ना, जब विजय माला, जब विजय माला में रुद्रमाला के मण के ऐड किए जाते हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं? विजय माला बन जाते हैं। तो फिर स्वर्ग के गेट खोलेगी, लायकात आएगी तो स्वर्ग के गेट खोलेगी। रेहट्टी का वेरिफिकेशन बताइए। रेहट्टी क्या? रेहट्टी गांव का नाम है, रेहट्टी। अरे माने अरे, और हट्टी माने हट्टी, अरे हट्टी। चलो बाबा, और कुछ याद से होना है हाँ। और याद में भी बाबा ने बोला है एक्यूरेट याद हाँ। जब एक्यूरेट याद और मन था कि एकाग्र स्थिति हाँ बनेगी, तो वो एक्यूरेट याद में अपने को हर आत्मा अपने 84 जन्मों को धीरे धीरे क्लियर करेगा, और जब याद में बैठते हैं याद की जो एक्यूरेट कंडीशन है वो प्राप्त नहीं हो पाती, उसमें संकल्प विकल्प इधर उधर गड़बड़ करते हैं। हमेशा ऐसे थोड़ा ही होता है, हमेशा तो नहीं होता बाबा, लेकिन